तो बैक टू बैक तीन मैच जीतने के बाद अब आरसीबी का मैच है पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, जो कि है मैच नंबर 58, जो कि होगा पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड में। और अभी भी आरसीबी के लिए होप है कि वो प्लेऑफ तक पहुंच सकती है, क्योंकि आरसीबी है पॉइंट टेबल नंबर 7 पर और अब उन्हें आगे के लगातार सारे मैच जीतने होंगे अगर उन्हें प्लेऑफ तक पहुंचना है तो। वही दूसरी तरफ पंजाब किंग्स उनसे जस्ट नीचे यानी कि पॉइंट टेबल पर नंबर 8 पर है और इनके लिए भी अब आगे के सारे मैच जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैच भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में देखते हैं दोनों टीम्स के बीच क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है और दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट। अच्छा, तो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके, तो अगर पहले बात की जाए आरसीबी की तो ये टीम करंटली पॉइंट टेबल पर नंबर 7 पर है, जहाँ पे इन्होंने अब तक टोटल 11 मैचेस खेले हैं जिसमें से ये टीम 4 मैच जीती है और 7 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और जहाँ पर पहले ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के लिए प्लेऑफ तक पहुंचने की होप खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 3 मैच जीते, हैदराबाद के अगेंस्ट, फिर गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट और उसके बाद दोबारा से उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया, जो कि इनका अभी रिसेंट मैच था और वो मैच आरसीबी ने 4 विकेट से जीता था। जिस मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की थी और केवल 147 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद आरसीबी ने उस टारगेट को चेस किया और केवल 13.4 ओवर में उस मैच को खत्म किया, जिसमें विराट कोहली ने 27 बॉलों में 42 रन बनाए थे। उनके साथ फाफ डु प्लेसिस ने केवल 23 बॉलों में 64 रन की काफी अच्छी इनिंग खेली थी और बाद में दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने मैच को फिनिश किया और आरसीबी उस मैच को 4 विकेट से जीती। हालांकि गुजरात टाइटंस की तरफ से जोश लिटिल ने उस मैच में 4 विकेट चटकाए थे, लेकिन वो मैच को नहीं जीता पाए। तो बेसिकली आरसीबी चाहेगी कि अपनी विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू रखे और पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इस वाले मैच को बड़े मार्जिन से जीते। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल पर नंबर 8 पर है और इनकी भी सिचुएशन लगभग सेम है। इन्होंने भी 11 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं और 7 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये अपना रिसेंट मैच आ रहे हैं सीएसके के अगेंस्ट, वो भी 28 रन से, जिस मैच में पहले बैटिंग करते हुए सीएसके ने 167 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स की तरफ से राहुल चहर और हर्षल पटेल ने 3-3 विकेट लिए थे और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स उस मैच को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जब पंजाब किंग्स उस टारगेट को चेस करने उतरी तो वो केवल 139 रन बना पाई और कोई भी बैटर उनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि सीएसके की तरफ से उस मैच में जडेजा ने 3 विकेट लिए थे और उनके साथ तुषार देशपांडे और सिमरजीत सिंह को 2-2 विकेट मिले थे, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स उस टारगेट को चेस नहीं कर पाई और 28 रन से उस मैच को हार गई। और अगर पंजाब किंग्स आरसीबी के अगेंस्ट वाला मैच जीत भी जाती है तो उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचने के चांस काफी ज्यादा मुश्किल है। तो पंजाब किंग्स चाहेगी कि वो आरसीबी के अगेंस्ट इस वाले मैच को बड़े मार्जिन से जीत पाए। तो अब देखते हैं दोनों टीम्स के बीच क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है। तो आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच अब तक टोटल 32 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 15 मैचेस जीते हैं आरसीबी ने और 17 मैचेस जीते हैं पंजाब किंग्स ने। तो बेसिकली रिकॉर्ड से पता चलता है कि पंजाब किंग्स डोमिनेटिंग रही है अगेंस्ट आरसीबी और ये मैच उनके होम ग्राउंड में होने वाला है तो उनके लिए एक एडवांटेज है। और जब रिसेंटली इसी सीजन में इन दोनों टीम्स के बीच मैच हुआ था तो वो मैच जीता था आरसीबी ने, वो भी 4 विकेट से। तो देखना होगा भाई इस वाले मैच में क्या रिजल्ट निकल कर आता है और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये वाला मैच जीतने वाली है आरसीबी। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना। तब देखते हैं इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो पहले बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। तो उनकी तरफ से पहले ओपनिंग करेंगे विराट कोहली और उनके साथ आएंगे उनके कैप्टन फाफ डु प्लेसिस, उनके बाद नंबर 3 पर विल जैक, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर कैमरन ग्रीन, फिर विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक, उनके बाद आते हैं स्वप्निल सिंह जिन्हें पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा गया था और उस मैच में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो आरसीबी चाहेगी कि वो उन्हें प्लेइंग 11 में रखे और महिपाल लोमरोल को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करे। फिर उनके बाद आते हैं करण शर्मा, फिर मोहम्मद सिराज, यश दयाल और आखिरी में आते हैं विशांग विजय कुमार और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे महिपाल लोमरोल। तो अब देखते हैं पंजाब किंग्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो उनकी तरफ से पहले ओपनिंग करेंगे जॉनी बेस्टो और उनके साथ आएंगे रायली रूसो, उनके बाद नंबर 3 पर प्रभसिमरन सिंह, फिर नंबर 4 पर कैप्टन सैम करन, फिर जितेश शर्मा, उनके बाद शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, फिर हरप्रीत बरार, उनके बाद हर्षल पटेल, फिर कंगिसोर अबाडा और आखिरी में आते हैं राहुल चार और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे अर्षदीप सिंह। और अगर पंजाब किंग्स बाद में बैटिंग करती है तो अर्षदीप सिंह प्लेइंग 11 में होंगे और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे प्रभसिमरन सिंह। तो मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगेंस्ट आरसीबी। तो आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और आपको क्या लगता है वाला मैच कौन जीतने वाला है कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।